नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। द पास्ट टेंस ऑफ बी इज, जैसे कि आई वॉज इन द सिटी, तो मैं सिटी में था। आई वॉज इन द सिटी मतलब मैं सिटी में था। अगर मैं बोलती हूँ आई इन द सिटी, तो अगेन वॉज, ये था या हूँ, तो आई वॉज इन द सिटी। ठीक वैसे ही दूसरा वाक्य है यू वर शाई, तो यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। ओके इन सभी के साथ वॉज इस्तेमाल होता है, जबकि वी यू और दे इनके साथ वर इस्तेमाल होता है। देखिए आई वॉज इन द सिटी, ओके यू वर शाय, तुम शर्मा गए थे, ओके यू वर शाय, तुम शर्मा गए थे, ही वॉज सिक, तो वह बीमार था, अभी है नहीं, वह बीमार था। ठीक वैसे ही You all were at school, तुम सभी स्कूल में थे, You all were at school, तो तुम सभी स्कूल में थे। And they were broken, okay, they were broken, so okay, उसके जो toys थे उनकी बात हो रही है, that they were broken, जो toys थे they were broken, तो वो टूट गए थे। Is that clear? Are you getting my point? Okay? सिमिलरली सी, अगर अब हमें इन्हीं वाक्यों का नेगेटिव बनाना है तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे आई वॉज इन द सिटी, तो आई वॉज नॉट इन द सिटी, मैं सिटी में नहीं था। यू वर नॉट शाय, तुम शाय नहीं थे, शर्माए हुए नहीं थे। He was not sick. वह बीमार नहीं था. Is that clear? किंतु अगर अब हमें प्रश्न पूछना है तो हम प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो प्रश्न के लिए हम बोलेंगे Was I in the city? क्या मैं सिटी में था? ठीक वैसे ही Were you shy? तो क्या तुम shy थे? ओके क्या तुम शर्माए थे? इस तरह से एंड ही वॉज सिक, तो वॉज ही सिक, इज दैट वेरी क्लियर? ओके सो हियर वी अंडरस्टैंड, यू ऑल वर एट स्कूल, वर यू ऑल एट स्कूल, क्लियर? एंड वर दे ब्रोकन, क्या वे टूट गए थे? इज़ दैट क्लियर? ओके सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू एन एंड। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।